लेकिन आज कैसे कैसे लोगों का बिहार हो गया है, आज बिहारी कहलाना पुनः शर्म की बात हो गई है। लोग अपना परिचय बाहर में देना फिर छोड़ दिए हैं। बिहार तो अब रो रो के कह रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिहार तो रो रहा है, बिहार को खुद बिहार के लोग ही लूट रहे हैं। अब लालू जी की बात करें, यहाँ बतवात बरबरे हैं, आप में भी उसमें फिसड्डी, आप में भी फिसड्डी, कानून व्यवस्था भी आपके हाथ से निकल रहा है। जो भी घोटाले हुए हैं, सृजन घोटाले हों, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, इसमें भी तो आप कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आए हैं, लेकिन बिहार में वर्तमान राजनीति की क्या स्वरूप है और बिहार में किसकी सरकार बननी है, बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर विपक्ष की सरकार रहेगी या फिर थर्ड फ्रंट रहेंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुशवाहा हैं। रेणु कुशवाहा बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि जो वर्तमान में बिहार की राजनीति हो रही है और क्या होनी चाहिए। देखिए, वर्तमान में मतलब राजनीति का एक तरह से कहिए विकास ठप पड़ गया है। जब लालू जी थे, हम लोग बहुत कोशिश किए 94 से लेकर के लालू जी के सत्ता में रहते भी विकास अवरुद्ध हो गया था, बिहार बहुत नीचे चला गया था। और बहुत हम लोग मेहनत करके ये करके फिर एनडीए का शासन लाए थे कि यहाँ बिहार में विकास होगा और हर चीज़ में सुधार होगा, लेकिन ये एनडीए के का 15 साल का कार्यकाल जो है वो भी टैंटे फिस हो गया। विकास अभी हम एक जगह पढ़ रहे थे कि अभी जो लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया गया, प्रत्येक राज्य का डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें बिहार सबसे फिसड्डी है। तो भाई कुछ तो हुआ नहीं। अब लालू जी की बात करें, यहाँ बतवात बरबरे हैं, आप में भी उसमें फिसड्डी, आप में भी फिसड्डी, कानून व्यवस्था भी आपके हाथ से निकल रहा है। जो भी घोटाले हुए हैं, सृजन घोटाले हों, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, इसमें भी तो आप कुछ नहीं कर पाए। इसमें भी अगर जांच करके दूध का दूध पानी करते और उन बालिकाओं को, उन अबोध बालिकाओं को भी अगर न्याय मिल जाता तब भी समझते कि आपने बिहार के लिए कुछ किया। तो हालत अच्छी नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है हमेशा से ही, और अभी की वर्तमान स्थिति में 15 साल पहले के देख लें, जंगल राज जब बोला जाता था उस समय भी सेम हालात थे और अभी भी लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार छेड़खानी हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि बिहार सरकार सुशासन की सरकार गिना रही है। देखिए, महिला सशक्तिकरण एक छलावा है, एक वोट लेने का इन्होंने जरिया मान लिया है कि महिलाओं की आबादी 50% है, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है, मोटा मोटी मान के चलिए। तो इन्होंने क्या क्या महिला का सशक्तिकरण करेंगे, काहे भाई, तो पंचायत के चुनाव में आरक्षण देकर, पंचायत के चुनाव में आरक्षण देकर के देने से कोई महिला सशक्त नहीं हुई है। आप अगर उस महिला को एजुकेट कर दीजिए, आप उस महिला को शिक्षित कर दीजिए, तो कहता है कि माँ बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला और प्रथम शिक्षक होती है। तो अगर एक माँ शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, तो आप तब महिला का सशक्तिकरण होता। सशक्तिकरण क्या, घूंघट के नीचे से काम चलाने से नहीं हो सकता है सशक्तिकरण। फिर आपको अगर सशक्तिकरण ही करना था तो आपने लोकसभा में क्यों नहीं दिया, विधानसभा में क्यों दिया, छोड़िए ना हम कहेंगे कोई बिल नहीं आया लोकसभा, लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी से कम 33% भी तो महिलाओं को टिकट दे सकती थी विधानसभा और लोकसभा में, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। लेकिन जो महिलाएं, अगर हम मान लिया जाए त्रिस्तरीय पंचायत में बहुत महिलाएं जीत के आ ही जाएगी आरक्षण से, 50% आ गई, 60% आ गई, क्या होगा उससे, उसे तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, वो जो काम करने जा रही है, जो जीत करके आई, उसका कोई ज्ञान नहीं है, ना उसको अधिकार का ज्ञान है, ना कर्तव्य का ज्ञान है। तो अपने जिनको अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहेगा वो कैसे सशक्त हो सकती है, क्योंकि आपने स्कूल को नष्ट कर दिया है, एजुकेशन को नष्ट कर दिया। अगर आप KG-2 PG तक फ्री एजुकेशन देते,
या जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है सरकारी स्कूल में वो फ्री पढ़ाई होती तो आज बहुत सशक्त होता और हमारे लोग 2 जून की रोटी के लिए मुंबई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात पलायन नहीं करते, बल्कि वहाँ एजुकेशन के बल पर अफसर बन के जाते और उस राज्य को चलाने का काम करते। ये बिहार के लोग करते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। और हर ताला का अगर कोई कुंजी है तो वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। तो जब आपने शिक्षा ही ख़त्म कर दिया तो स्वाभाविक है विकास ख़त्म हो गया, सुशासन ख़त्म हो गया, नैतिकता ख़त्म हो गई, सारे चीज़ ख़त्म हो गए, उद्योग धंधे ख़त्म हो गए, कानून व्यवस्था ख़त्म हो गया, सारे चीज़ ख़त्म हो गया। आज इस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है, दिन में जो आपका देख रहे थे लोग कंकड़बाग साइड में चेन खींचने की घटनाएं बढ़ रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है तो फिर कहाँ है कानून व्यवस्था, महिलाएं अब निकलने से परहेज करने लगी हैं, ये हालत हो गई। कुल मिलाकर कहिए कि हालत अच्छी नहीं। ये जानना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है, तो किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़िएगा आप लोग? देखिए, एजेंडा तो हमारा मूलभूत एजेंडा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, रोजगार है। ये हमारे मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जब हम सरकार क्यों बनाते हैं, इसी सब चीज़ के लिए ना। आपने स्कूल बिल्डिंग बना दिया लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षक रोड पर घूम रहे हैं। अब आप शिक्षक को बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं खराब शिक्षक है, गलत शिक्षक है, पराली का शिक्षक नहीं, जिसको आपने बहाली क्यों किया? जो कंपटीशन से बहाली करने का तरीका था उसी बहाली को आप रहने देते तो आज ये आपको कहने की नौबत नहीं होती। और कोई भी आदमी इस महंगाई के दौर में कैसे 10,000 15,000 20,000 में अपना परिवार चलाया, और उसके बाद उसको आप पढ़ाई छोड़ा करके जानवर की गिनती करो, तो फैमिली प्लानिंग वाला काम करो, तो जनगणना का काम करो, इस तरह जो भी काम या परीक्षा कुछ भी काम है आप टीचर को लगा देते हैं। लेकिन 15 अगस्त के दिन उन्होंने गांधी मैदान से कहा है कि शिक्षकों पर भी ध्यान रखा जाएगा, तो रखे क्यों नहीं आप? इतने साल में क्यों नहीं रख रहे? अब तो 15 साल से हैं, आपको रखना चाहिए। शिक्षक का तो दर्जा भगवान का दर्जा है। एक तो कहता है कि 3 आदमी मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण होता है, तो गुरु ऋण से लोग ऋण नहीं हो पाता, आपने उसका दर्जा ख़त्म कर दिया। आज जो देखिए शिक्षक का कितना, हम लोग शिक्षक को आज भी कहीं मिलते बैठ चुके प्रणाम करते हैं, वहाँ पोस्ट कोई काम नहीं देता है, लेकिन शिक्षक की हालत बहुत ख़राब है और शिक्षा की भी हालत ख़राब है, तो बिहार का विकास संभव ही नहीं है। तो बिहार बदलाव चाह रही है? बिहार तो बदलाव चाह ही रही है। अब बिहार कितना रोए, बिहार तो अब रो रो के कह रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिहार तो रो रहा है, बिहार को खुद बिहार के लोग ही लूट रहे हैं। ये वो बिहार है जहाँ चाणक्य हुआ करते थे, ये वो बिहार है आप समझिए जहाँ आपको सहरसा में मंडन मिश्र हुआ करते थे, भारती मिश्र हुआ करते थे, जिसके तोते संस्कृत बोलते थे, जिन्होंने केरल के शंकराचार्य को पराजित करके भेज दिया था शास्त्रार्थ में। ये चाणक्य का बिहार है, ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बिहार है, ये गुरु गोविंद सिंह का बिहार है। लेकिन आज कैसे कैसे लोगों का बिहार हो गया है, आज बिहारी कहलाना पुनः शर्म की बात हो गई है। लोग अपना परिचय बाहर में देना फिर छोड़ दिए हैं कि हम बिहारी हैं, प्रतिभा के रहते हुए भी लोग नहीं बोल पाते। तो विकल्प क्या है? विकल्प है क्यों नहीं, विकल्प है, लेकिन लोग अगर अपना हिम्मत करें, पहचाने, उनको लगता होगा, सही में लगता होगा कि सब आता है, नेता झूठ बोल कर ही चला जाता है, किस पर विश्वास करें। ये संकट विश्वास का संकट है, लेकिन लोगों को पहचानना होगा, परिवर्तन करना होगा। कहा भी गया है रोटी जली क्यों, घोरा आरा क्यों, पान सरा क्यों, फेरा नहीं गया, तो इसको फेरना चाहिए। अगर फेरेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो परिवर्तन होगा नहीं। और बिहार की जनता के हाथों में इतनी ताकत है, शक्ति है, अपने भाग का निर्माता स्वयं हो सकती है बिहार की जनता, अगर चाह ले तो, अगर ना चाहे तो अपने भाग का निर्माता नहीं होगी। डुबा दे अपने बच्चों को, उनके बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाएं, उनके बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाएं, और यहाँ किसान मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, ये सब सारे बंद पड़े हैं, मजदूर बंद रहे हैं। आपने देखा लॉकडाउन में क्या हालत हुई, लोग आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, फिर बेचारा माथा पर बोझ, गोदी में बच्चा, खाली नंगे पांव, पुलिस का डंडा, खाली पेट,
आ रहे हैं लेकिन रह नहीं पाए यहाँ, बोले मेरा रोज़गार यहाँ नहीं है, पेट का सवाल है, पेट पेट की आग नहीं बुझेगी तो कैसे बिहार में रहेंगे। और वो चला जाता है और ऑटो चला के, अगर उनके कलम, अगर वो पढ़े लिखे होते, उनके कलम में हुनर होता, ताकत होती, कहा गया है स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, अगर वो पढ़ लिख के गए होते तो वहाँ चार बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते, तो छोटा मोटा स्कूल खोल देते, सम्मानजनक काम करते। काम तो सबको करना है, राजा औरंग काम तो सबको करना है, लेकिन काम काम में फ़र्क होता है। पढ़े लिखे लोग होते सामने क्यों नहीं निकल कर आता है? देखिए सामने, अब ये तो बदलाव कोई नहीं, किसी नेता के द्वारा ही होगा, किसी पार्टी के द्वारा होगी। तो हम लोग तो चाहते हैं बदलाव, हम लोग तो चाहते हैं कि एक अच्छा विकल्प दें, और उस विकल्प के लिए जो आप ऐसे मुंह से कह देने तो नहीं होगा, अपना बताया जाएगा कि भाई आप क्या विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, इस बिहार में बदलाव हो, बेहतर बिहार बने, इसके लिए क्या आपके पास विकल्प है, आप बताइए आपने क्या योजना बनाई है। और हम लोग उस योजना को लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने पेश नहीं कर सके, लेकिन एक इतना एक है कि लोग जानते हैं कि लोग सही आदमी है, सत्ता में रहे तब भी, विपक्ष में रहे तब भी, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोशिश तो करेंगे, लेकिन जनता भी क्या करेगी, उसको भी नेता भरमा देता है, जात पे धर्म में बांट देता है, अंत में पार्टी में बांट देता है, लोग भाई भाई में लड़ जाता है, हम इस पार्टी में हैं, हम उस पार्टी में, तो ये सब कठिनाई है। अब जनता अंत में क्या निर्णय लेती हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको बहुत बड़ा जो बदलाव बिहार की जनता चाहती है, लेकिन बदलाव कितना हो पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि बिहार में अनेकों जातिगत पार्टी हैं, तो वहाँ से रेस थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कैसे निकल पाइएगा आप वहाँ से? देखिए इसीलिए ना हमने कहा कि जो जाति जाति में, जाति उपजाति में लोग बट गए, तो जाति में बटना, धर्म में बटना, इसीलिए ही सबको जाति धर्म में बांट दिया गया है कि हम सत्ता में राज करते हैं। हम कहते हैं कि जीने के लिए, राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने कहा था कि जीने के लिए गेहूं के साथ गुलाब भी आवश्यक है, इसलिए कहा था कि जब पेट में अनाज भरा रहता है तो गुलाब मतलब क्या, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो ये भी सही है, लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो मनोरंजन नहीं चलता है। हम लोग भी आस्तिक हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, राम मंदिर बन जाए, शिव मंदिर बन जाए, सीता मंदिर बन जाए, हनुमान मंदिर बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं इसके साथ साथ देश में अस्पताल भी खुले, लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं, बढ़िया लाइब्रेरी बन जाए, बढ़िया बढ़िया स्कूल बन जाए कि लोग पढ़े, पढ़ लिख करके अपने धर्म को जाने, भगवान जी की पूजा भी करें, मतलब ये दोनों चीज़ चलना चाहिए साथ साथ, ताकि लोग अच्छा जीवन, बेहतर जीवन इस बिहार में जी सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया।